नमस्ते जी। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, फिर से एक बार वेदी पिजन प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल वेदिक विजन। प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम रेमेडी पे बात करेंगे थोड़ी सी, और इसका एक वेबिनार हो रहा है, 27 नवंबर से चालू हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट, क्योंकि ये रेमेडी वैदिक बेस पे है, तो उसे थोड़ी ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी कैसे करना है, किस प्रकार रेमेडी होती है वैदिक में, एग्जाम्पल चार्ट के साथ ये देने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट वेबिनार। तो अभी सीधा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे वेद वेदांग में दो चीज है। बेसिकली वेद के फॉलोअर्स, वेदांत के फॉलोअर्स कहते हैं कि भाई व्हाट यू डू यू हैव टू कंज्यूम, जो आपने कर्म किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। That is, karma is autolexis. बुरा किया है तो बुरा, अच्छा किया है तो अच्छा। तो यहां ये एक मत है, और ये मत बहुत प्रचलित है अभी भी। तो फिर हमें वेद वेदांग में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई क्या है बेसिकली। तो अगर आप थोड़ा सा वेद को जानते हैं तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह निशाखा, मेरे शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह निशाखा है, तो इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, तो उसका उसकी शुरुआत व्रत शब्द से होती है। ये यहां मैंने रखा है, ये यहां। तो शब्द से पहला व्रत रखा है, व्रतमुपेक्षण, तो यहां से शुरू होता है। तो उस जमाने में, वैदिक जमाने में, व्रत को, यज्ञ कर्म को, किसी भी अच्छे कर्म को, खास करके यज्ञ श्रोत कर्म को बोला गया है व्रत। तो उसमें है सबसे पहले बोला है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण क्यों करना है, क्योंकि मानव कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। तो आचम्यम प्राणायाम सबसे पहले यह है, आप उपस्पृशति, पानी को कानों आंखों पे लगाइए, पी लीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये शौच है सबसे पहला। मंत्र स्नान कीजिए, स्नान करने बैठा हो फिर भी, तो ये शौच। उसी के अंतर्गत ये सत्वर ब्राह्मण है, तो शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह निशाखा में भी एक मंत्र दिया, वाचन ते सुंदामी, ब्राह्मण ते सुंदामी, चक्षु ते सुंदामी, हृदय ते सुंदामी, नाभिन ते सुंदामी, मेधन ते सुंदामी, पायुस्ते सुंदामी, चरित्रांस्ते सुंदामी, छठे अध्याय का मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह निशाखा। तो ये शुद्धिकरण सोच के लिए कि भाई हमारी वाचा कैसे शुद्ध होती है, यहीं से रेमेडी का हमें देखने को मिला है कि भाई रेमेडी यहीं से शुद्धिकरण से स्टार्ट होती है। फल तो आपने कर्म जो किया है
वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन व्रत या आपके चरित्र को शुद्ध कर दो तो ये प्रथम आवश्यकता है। तो रेमेडी की शुरुआत यहां से हम मान सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी कहा है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोका नंबर 18-19 में, कि धर्म के चार पाद हैं, इनमें से कलयुग में तीन नष्ट हो जाएंगे, तब सौत दया दान रह जाएगा। तो ये यहाँ से रेमेडी की, रेमेडियल मेजर की हम बोल सकते हैं कि भाई दिया हुआ है। ये वेद के बाद आया दैनिक स्मृति कल्प शास्त्र वेदांग का अंग, कल्प स्मृति अष्टादश स्मृति, वैसे तो 50 है लेकिन अष्टादश स्मृति आपका जो ब्रांच है उसके हिसाब से आप उसको चुन सकते हो। 1200 स्मृति भी है, वशिष्ठ होती है, गौतम स्मृति है, बहुत सारी है, वो आप ले सकते हो। फिर पुराण ये सब आए तो उनका मत ये है कि भाई कलयुग में जीवन मिला है तो माया और विषय से लुप्त रहेगा। कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग नोइंगली अननोइंगली वो माया के चक्कर में, विषयों के चक्कर में फंस जाएगा। तो रेमेडी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए इसके लिए। तो यहीं से रेमेडी की, अलग अलग रेमेडी की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फिर रेमेडी आ गए, जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु दम दया दान, जो तप स्व दया दान है उनका अलग 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 बाइफरकेशन फिर दिया जाता है। और हर एक एलिमेंट को हम देखेंगे, यहाँ रत्न और ये सब नहीं आते, वो नहीं रखा है। फिर बाद में ये आया, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे रेमेडीज नई नई आती गई, नई नई सोच आती गई, और इस सोच के अनुसार जिसको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ बेसिकली हमें इतना जरूर देखना चाहिए कि भाई वैदिक रेमेडीज अपेक्स, तो वहां से आप चालू कर सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, चलता गया आगे, वैसे वैसे तांत्रिक, टोटका, टोना, जैम, रुद्राक्ष, औषधि, ये सब रेमेडी आने लगी। अभी तो औषधि का पार्ट अलग है लेकिन भृगु संहिता में ये मिल जाएगा। जैसे भृगु संहिता में कहा एक दो जगह पे कि भाई अगर चमड़ी का कुछ रोग होता है तो आप हवा मार्ग का रूट जो होता है वो पहन सकते हैं। नक्षत्र के, नक्षत्र में भी सब विवरण में दिया हुआ है कि भाई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो कौन सा हर्बल, हर्बल मेडिसिन बोलते हैं उसको, रूट पहनना चाहिए। तो ये अलग विषय है लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। अभी तप स्वच्छ दया दान ये दिन है, उसमें से फिर ये बाइफर्केट आगे, बाइफर्केट हुआ आगे, आगे अलग अलग हुआ, आगे आगे ऐड होता गया सब। अगर आप वैदिक है तो वेदांग में जो दिया है, वेदों में जो दिया है उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो वेद तो कर्म और ज्ञान का पाठ है, इसमें भी शुद्धिकरण, जैसे मैंने एक मंत्र दिया वाचन ते सुंदामी ब्राह्मण ते सुंदामी, वैसे वेदांग में ज्योतिष का जो मूल ग्रंथ है आप पाराशर ले लो, फिर उसके बाद जो भी आई, तो वहां कर्ष की रेमेडी है, दशा में जो रेमेडी दी गई है, अलग अलग जो रेमेडी दी गई है वो मॉडर्न टाइम में कैसे एप्लीकेबल हुए वो देखना चाहिए। धर्म का गुण भी कई बार हम देखते हैं तो जन्मांग में, कुंडली में मिल जाता है,
वहां इजी हो जाता है। कोई बहुत किसी को जप करना पसंद होता है, किसी को व्रत करना पसंद होता है, किसी को नियम में रहना पसंद करता है, कोई किसी को दान देना बहुत पसंद होता है, कोई तप करना चाहता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सबके चॉइस होते हैं, वो हमें जन्मांग में देख के उसको इस प्रकार से देना है, दे सकते हैं उपाय। या फिर अगर कर्स फैक्टर है, दशा के लिए आपको कुछ देना है, कर्म विपाक के अनुसार नक्षत्र मोस्ट अफेक्टेड नक्षत्र के हिसाब से अगर आपको देखना है तो वो आप कर्म विपाक से देख सकते हो। तो इस तरह से अलग 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 आप रेमेडी दे सकते हो। धर्म के गुण होते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी व्रत करते हैं तो उसके फल होते हैं, और कलयुग में हमारा जो हमारी मालिन्यता है, हमारे शरीर दोनों जगह पर होते हैं, चित्त में भी और शरीर में, वो मालिन्यता कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसको कैसे निकाला जाता है। तो आगे का रेमेडियल का पार्ट बहुत ये समझ लोगे तो आगे का रेमेडियल पार्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एक चार्ज लेता हूँ, दो चार्ज लेता हूँ, एक कॉमन मैन है और एक महान धर्मात्मा संत पुरुष है। तो धर्म से अगर आप जुड़े हैं तो धर्म के तीन लोर का कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। केंद्र कोण में अच्छा है, केंद्र में होगा तो इन्फ्लुएंस करेगा, कोण में होगा तो ग्रोथ करेगा धर्म का। 2-11 या अर्थ के साथ संबंधित हो तो अर्थ प्राप्त करने में धर्म को लगाएगा, क्योंकि क्या है ज्योतिष, क्या है ज्योति ही ज्ञाने सह इति प्राप्ति ही इति ज्योतिष, ज्योति ही ज्ञाने ज्योति ईश, ज्योतिष यानी ज्योति ही यानी कि ज्ञान प्रकाश, और इस यानी कि जो आपको चाहिए वो उसकी प्राप्ति। इस क्या है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए शोहरत है, किसी के लिए नाम है, किसी के लिए स्पिरिचुअल पाथ है, कर्म पाथ है, अलग अलग सबके सोच रहे। कोई ज्योतिष से पैसा ही कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई कर्म के पथ पे चलना चाहता है, सत्कर्म के पथ, कोई कर्म योगी बनना चाहता है, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चला जाना चाहता है, अलग अलग है। बहुत सारे कर्मयोगी तपस्वी योग सब देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के 3159 हाउस के लॉ अगर कनेक्टेड होते हैं कहीं ना, ये डिपोजिटर्स या कहीं ना कुछ उसका कनेक्शन मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई अच्छा ये थोड़ा जाएगा धर्म। तो देखना पड़ता है फुल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ एक चार्ट है कॉमन मैन, ठीक है। तो यहाँ 915 धर्म त्रिकोण का भाव है, राशि है। तो गुरु सूर्य और मंगल कनेक्शन में होने चाहिए, तो सूर्य का डिपोजिटर है बुध, तो मंगल के साथ बैठा है, मंगल गुरु पे दृष्टि करता है, गुरु सूर्य पे दृष्टि करता है, तो कहीं ना कहीं है, लेकिन साथ में अर्थ जुड़ा है तो अर्थ प्राप्ति विशेष है, कर्मयोगी भी विशेष है। तो 9th हाउस राहु से दूषित है, एसेंडेंट शनि से दूषित है, तो धर्म और कर्मयोग पे माल चलते चलते बहुत सी कठिनाइयां आ सकती है, अर्थ प्राप्ति का उनको ध्यान रखता होगा ये ज्यादा कि भाई पैसा आना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये बहुत संत पुरुष की कुंडली है। तो कुंभ लग्न है,
सो कुंभ मिथुन और तुला, यानी कि शुक्र बुध और शनि कहीं ना कहीं जोड़ने चाहिए। तो बड़ा अच्छा है। लग्न लॉर्ड उसका बैठा है, नाइन्थ लॉर्ड भी उसका बैठा है, उसका डिपोजिटर गुरु, तीनों से संबंध है। तो ये बड़ा अच्छा योग दूंगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि भाई ये सूर्य भी साथ में है। बाकी छोड़ दो, तीन लॉर्ड को देख लो धर्म के, तो ये हमको दिखाते हैं कि ये कुछ धर्म के विज्ञानी बहुत बोलते हैं ना कि भाई लोक कल्याण का काम करते हैं पुरुष संत पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इतना ही लेता हूँ, धन्यवाद। वैदिक रेमेडी का बेसिक्स यही है कि जो धर्म के चार पाद है पुरुषत्व के रूप में, तप शौच दया दान, उससे ही सब रेमेडी आती है, उसे ही सब निकल गया। फिर जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया वैसे वैसे आगे होता गया, बदलता गया सब रेमेडी का स्वरूप। और यहाँ इस वेबिनार में ट्राई करूंगा मैं सब कुछ आ जाए, सब समाविष्ट हो जाए, ऐसा में हमारा प्लानिंग है और उस तरह से हम करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द वेबिनार कमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। निर्विघ्नेन शुभं भवतु, निर्विघ्नेन शुभं भवतु, निर्विघ्नेन शुभं भवतु, कल्याणमस्तु।